नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट फॉर MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेंट, सब्जेक्ट जो हर MBBS के एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने जाना है, क्योंकि आप कहीं भी एडमिशन लें, आप इंडिया में एडमिशन लें या अब्रॉड में एडमिशन लें, आपके लिए जानना जरूरी है कि मेडिकल एजुकेशन हमारे देश की जो चेंज आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपसे वो क्या है। ये एक्सपेक्टेशन अगर आपको डे वन पे क्लियर रहेगी कि भारत सरकार मुझसे क्या चाहती है, मेरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा और मेरा एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आप क्या काम सही करेंगे, आप अपने सही कॉलेज का चुनाव करेंगे, भले ही आप इंडिया में करें या आप अब्रॉड में करें। आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, भले आप इंडिया में करें या अब्रॉड में करें, और आप अपनी क्वालिटी एजुकेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आप जहाँ जा रहे हैं वह क्वालिटी एजुकेशन इन पैरामीटर्स पे आपको सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आज की डेट में जब आप अपना MBBS का कॉलेज ढूंढ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है जानना क्या मैं नेक्स्ट के क्राइटेरिया को, क्या मेरा जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है क्या वो इस लेवल को फुलफिल करने में सक्षम है। और यही चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट जो होने जा रहा है इंडिया में, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिटेलिंग है जो आपको फेस करने पड़ेगी आने वाले समय के अंदर। सो दिस इज नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। इस प्रेजेंटेशन को दोस्तों ध्यान से देखिए, फॉलो करिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो नेक्स्ट इज वन एग्जाम वन कंट्री एंड नेक्स्ट एग्जाम इज प्रपोज्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल कॉन्स्टिट्यूट द फाइनल ईयर फॉर MBBS इन इंडिया एंड एग्जिट एग्जाम फॉर MBBS अब्रॉड। इसका मतलब जो इंडिया के बच्चे होंगे उनका जो फाइनल ईयर होगा, दैट मीन्स 4.5 ईयर के बाद जब वो जाएंगे आगे इंटर्नशिप से पहले, उन्हें नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। इधर MBBS इन अब्रॉड के बच्चे जब बाहर अपनी एजुकेशन प्लस इंटर्नशिप वहां की करके लाइसेंसिंग लेके इंडिया आएंगे, तब उन्हें नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल बॉस, आप यहां से करें या अब्रॉड से करें, मैचिंग एक ही जगह होने वाली है आपकी, कॉम्पिटिशन एक ही जगह होने वाला है आपका। सो सोचिए, ये कॉम्पिटिशन सिवियर होने जा रहा है, राइट? क्योंकि आज की डेट में फॉरेन एस्पिरेंट्स को सिर्फ FMG का एग्जाम देना पड़ता है, जहां इंडिया वाला बच्चा कहीं भी इंगेज नहीं होता, बट अब ये कॉम्पिटिशन थ्रेशोल्ड बढ़ने वाला है और इंडिया के बच्चे का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस और जो क्लिनिकल लर्निंग होगी उसको आपको फेस करना पड़ेगा। सो आपके लिए, स्पेशली अब्रॉड के बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट के क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से हम अपने एजुकेशन को प्लान करें। सो दोस्तों, ये है नेक्स्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। This is a sophisticated exam to get the knowledgeable doctors in India and setting a uniform education system for Indian medical education system. तो इसमें दो चीजें होने जा रही हैं, right? अभी जो आपका FMG का एग्जाम होता है, एक तो वो obsolete हो जाएगा, right? So there will be no FMG exam moving forward. और दूसरा जो नीट PG का एग्जाम होता है for getting PG seats in India for MD and MS, वो खत्म हो जाएगा, and this will be constituted by next one examination which will be a common exam. तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रलाइज एग्जाम मैकेनिज्म, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म आपको मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट का जो ड्राफ्ट था, जो नेक्स्ट का पूरा प्रपोजल है, जो आप देख सकते हैं NMC की वेबसाइट पे 28 ऑफ दिसंबर को प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंदर NMC ने सारी गाइडलाइंस डिसाइड की थी नेक्स्ट के अंदर। कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो थोड़ी गलत थी वहां पे, जब बाद में NMC को हम लोगों ने बताया, हमारे कलीग्स ने बताया, तो देव रियलाइज कि यहां पे कोर्स करेक्शन की जरूरत है, और 13 जुलाई 2023 को ये जो ड्राफ्ट था आपका, इसको डेफर कर दिया गया है। दैट मींस नेक्स्ट अभी आज की डेट में इंप्लीमेंट में नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी जो भी इसकी खामियां थी उनको दूर करके ये रिप्रेजेंट किया जाएगा और बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूशन में भी आ जाएगा। सो सवाल ये आता है बच्चों को, क्या सर मुझे नेक्स्ट देना पड़ेगा अगर मैं 2024 में MBBS के लिए जा रहा हूं और 2025 में नेक्स्ट इंप्लीमेंट होता है? यस, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2025 में इंप्लीमेंट होता है, और ये होगा ही, हर हाल में होगा, राइट? दैट मींस उस दिन से आपका FMG का एग्जाम खत्म हो जाएगा और आपको नेक्स्ट का एग्जाम इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगा। और आप कब आएंगे? 2024 के बाद। आप 6 साल लगा के 2030 में आएंगे। सो एनीवे, जब भी आप आएंगे 2025 के बाद, तो आपको इंडिया में नेक्स्ट का ही एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? सो एनीवेज, दिस इज अ मस्ट हैव फॉर यू, जो आपको देखना पड़ेगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट को थोड़ा इजीली समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे ड्रॉ करेगा, ठीक है? आप लोग अभी कॉलेज सिलेक्शन पे लगे हुए हैं, लेकिन इसको जरूर समझिए कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, राइट? सो देखिए, नेक्स्ट में क्या सीन है, यहाँ पे नेक्स्ट वन का एग्जाम है, दिस इज नेक्स्ट वन एग्जाम, राइट? यहाँ इंटर्नशिप है आपकी, यहाँ नेक्स्ट टू का एग्जाम है, और ये इसका आउटपुट है, राइट? इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने
जो नेक्स्ट वन का एग्जाम है उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसके मार्क्स आएंगे, दैट विल बी यूज फॉर पीजी रैंकिंग एंड काउंसलिंग. दैट मीन्स नेक्स्ट वन का जो एग्जाम है, जो 540 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, उसका जो मार्क्स होगा आपका, वो पीजी के लिए जो आपको सीट अलॉट होगी उसके लिए आपको डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा किस मार्क्स पे क्या सीट आपको अलॉट की जाएगी, राइट. सेकेंडली, ये आपको एलिजिबल बनाएगा इंटर्नशिप के लिए इंडिया में, राइट. और अगर आप नेक्स्ट वन भी पास करते हैं और नेक्स्ट टू भी पास करते हैं तो आपको पीजी सीट भी मिल जाएगी और आप साथ में अपने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस. दूसरा केस जो बनता है यहां पे कि आप नेक्स्ट वन तो पास कर गए लेकिन आप अपना जो नेक्स्ट टू का एग्जाम है वो फेल कर गए, राइट. अब इस केस में यहां पे आपने दोनों एग्जाम पास किए थे, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू पास किए थे. इस केस में आपने नेक्स्ट वन पास कर लिया है लेकिन नेक्स्ट टू फेल कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, आप एलिजिबल इंटर्नशिप के लिए तो हो जाएंगे, राइट. क्योंकि नेक्स्ट वन आपने पास कर लिया तो ये ब्रोड आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आप पीजी के लिए और लाइसेंसिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपका नेक्स्ट टू यहां पे क्वालिफाई नहीं हुआ है और आपको नेक्स्ट टू क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर. देखिए, नेक्स्ट वन का पेपर का एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट वन का पेपर होगा कैसे, राइट. सो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं. नेक्स्ट वन का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा. ये जो एग्जाम होगा इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी वैलिड फॉर 2 to 3 years, जो अभी क्लैरिटी नहीं है लेकिन डेफिनेटली क्लैरिटी यहां पे आ जाएगी आपको. एग्जाम कितने साल में होगा, तो नेक्स्ट वन का एग्जाम साल में एक ही बार होगा, राइट. नेक्स्ट वन एग्जाम विल बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर. लेकिन इसके बाद अगर आपके कुछ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाते एग्जाम में तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी प्रोविजन है जो मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा, राइट. अब इसका बेसिक ड्यूरेशन देखते हैं, बेसिक क्रक्स देखते हैं. इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है ये कितने दिन चलेगा, दिस विल बी हेल्ड अक्रॉस 3 days. 3 days तक आपका एग्जाम चलेगा, day 1, day 2, day 3, मैं आपको आगे समझाऊंगा. टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहने वाली है 13.5 hours, बहुत एग्जॉस्टिव, राइट. नंबर ऑफ क्वेश्चन 540 questions और पासिंग मार्क्स 50% marks जो आपको यहां पे मिनिमम सिक्योर करने पड़ेंगे तभी आपका वो सब्जेक्ट क्लियर माना जाएगा. सो दोस्तों आइए अब आपको नेक्स्ट वन का डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं किस तरह से एग्जाम होगा, राइट. सो नेक्स्ट वन विल बी, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ लंबी होगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नेक्स्ट वन का पेपर है दिस विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें जो एग्जाम होगा वो केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स होंगे, डायरेक्ट सवाल नहीं होंगे. आज के डेट में एफएमजी में ज्यादातर सवाल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़ा और आपसे सवाल दिया और आपने जवाब दिया. नो, दिस विल बी इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. यहां पे आप देखिए रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन ओनली 10% होगा यहाँ पे, राइट. कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस 25% होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग 65% होगा दोस्तों. सो आपको एक केस दिया जाएगा, एक पेशेंट की सिचुएशन दी जाएगी, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री दी जाएगी और उस बेसिस पे आपको बताया जाएगा इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे फैक्ट फाइंडिंग करनी है और फाइनली मेडिकेशन किस लेवल पे कहां लेके जानी है. दिस विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जब तक आपने उस क्लिनिकल सराउंडिंग को ऑब्जर्व नहीं किया है, उसको फील नहीं किया है, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. ये day 1, day 2, और day 3 पे आपका पेपर रहेगा. Part 1 मेडिसिन एंड एलाइड, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी अलाइड, ENT 60 marks, ओबी गायनी एंड ऑप्थेलमोलॉजी. तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट वन का पेपर प्लान होगा. नेक्स्ट टू के पेपर की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट टू का जो पेपर है वाइवा बेस्ड एग्जाम होगा, राइट. जिसके अंदर क्लिनिकल केसेस होंगे, क्लिनिकल केसेस होंगे, राइट. पेशेंट्स का एक्सपोजर, पेशेंट्स का देखा जाएगा आपने किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया है, आपके अप्रोच क्या है, क्लिनिकल स्किल्स क्या है आपकी, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये सारे क्राइटेरिया आपसे नेक्स्ट टू के पेपर में देखे जाएंगे. आप समझ सकते हैं आउटपुट कितना रिफाइन निकलने वाला है. और अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की है अपने मेडिकल कॉलेज में, भले इंडिया हो या अब्रॉड हो, डेफिनेटली ये आपको एक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, राइट. टेन्योर, नेक्स्ट टू विल बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर. नेचर ऑफ एग्जाम, नेक्स्ट टू विल ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एनरोल इन द स्टेट रजिस्ट्रार. नेक्स्ट टू एग्जाम शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली एज अ पास एंड फेल. देखिए नेक्स्ट वन का जो एग्जाम है उसमें मार्क्स मिलेंगे 540 में से कितने मार्क्स जो पीजी के लिए अलाउ करेंगे आपको. नेक्स्ट टू विल बी अ वाइवा बेस्ड एग्जाम जो पास फेल में डिफाइन करेगा आपको, राइट. और टाइमलाइन, देयर शैल बी अ रेगुलर नेक्स्ट टू एग्जामिनेशन वंस अ ईयर. ओके, तो ये हमने नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू का पेपर पैटर्न यहाँ पे हमने इवेलुएट कर लिया. अब दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स ये जानना कि आज के सिस्टम में और आने वाले नेक्स्ट के सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा. इसी बेसिस पे तो आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है. और आपको हम पहले कई बार बता चुके हैं एफएमजीएल के रेगुलेशंस के हिसाब से आप अपना कॉलेज ट्रांसफर नहीं ले सकते. सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि जो आप कॉलेज ले रहे हैं उसका हॉस्पिटल कैसा है.
हमारे से अगर आप पूछते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में कॉलेज सिलेक्शन का क्राइटेरिया, योर फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी हॉस्पिटल। आपका हॉस्पिटल कैसा है, क्लिनिकल इंटरफेस कैसा है, पेशेंट की कैपेसिटी कैसी है, ओपीडी आईपीडी कैसी है, पेशेंट किस लैंग्वेज में वहां पे बात कर रहा है, यही डिसाइड करेगा आपका नेक्स्ट का क्राइटेरिया। इसको उस एंगल से प्लीज और प्लीज जज करिए जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। सो देखिए आज के सिचुएशन में अगर हम बात करें दोस्तों, सो नेक्स्ट जो आपका एफएमजी, दिस इज एफएमजी एग्जाम राइट, और यहां हम देख रहे हैं नेक्स्ट। तो अपर सर्कल इज एफएमजी, लोअर सर्कल इज नेक्स्ट। एफएमजी 2.5 घंटे का पेपर होता है, नेक्स्ट 13.5 घंटे का पेपर होगा आपका। एफएमजी 2 शिफ्ट में होता है मॉर्निंग इवनिंग, जबकि ये 3 डेज शिफ्ट 6 शिफ्ट में होगा। तो किस डिटेलिंग में आपको जज करेगा आप समझ सकते हैं राइट। सरफेशियल कुछ नहीं चलेगा, 300 क्वेश्चन, 540 क्वेश्चन, 50% यहां भी है, 50% यहां भी है। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आज एफएमजी में मेजर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट में माइनर होंगे, ओनली 10% रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। एसिमिलेटिव लर्निंग बहुत जरूरी है, डिफिकल्टी मॉडरेट और डिफिकल्टी यहां बहुत हाई होने वाला है राइट। एंड दिस इज अ रियलिटी जो आज की डेट में किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट को जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देर विल बी अ ब्लंडर और बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन गैप होगा जहां पाइल अप हो जाएंगे, अब नेक्स्ट मंथ क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आप इवॉल्व होते रहेंगे राइट। और ये आपके सामने एक शेड्यूल है कि किस किस महीने में आपका एग्जाम होगा। तो जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं बाहर स्पेशली, तो आप देखें उनका सेशन कब शुरू होता है, उनका सेशन कब खत्म होता है, उनका लाइसेंसिंग एग्जाम कितने दिन बाद होता है, और क्या वो इन टाइमलाइंस को मैच कर रहा है। अगर वो इन टाइमलाइंस से 1 महीना आगे या पीछे भी होता है तो आप सोचिए आपका 1 साल रिपीटेशन में आ जाएगा जो आपको कोई नहीं बताने वाला राइट। दैट मींस नेक्स्ट वन का जो एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में होगा राइट, और रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ जनवरी में होगा राइट। That means, अगर आप अब्रॉड से जा रहे हैं और अगर आप जनवरी में पास होके वहां से आ रहे हैं, फिर आप रजिस्टर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप तो 1 साल बाद पेपर के लिए अपीयर करेंगे। सोचिए आपका 1 साल तो खड़े खड़े बढ़ गया है यहाँ पे राइट। नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री भी यहाँ पे डेट्स हैं राइट। उसके बाद ये पूरा शेड्यूल है कि नेक्स्ट वन कब होगा, इंटर्नशिप कब होगी, और नेक्स्ट टू का क्या क्या करिकुलम फुलफिल होगा। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज की टाइमलाइंस को अपने नेक्स्ट के एग्जाम की टाइमलाइन से जरूर मैच करिएगा। तो दोस्तों फाइनली जो इस समरी को अगर मैं बनाऊं, इस प्रेजेंटेशन को समराइज करूं आपके लिए, आप इंडिया में भी अगर एमबीबीएस एडमिशन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप लो लेवल सबसे लो लाइन एमबीबीएस कॉलेज उठा रहे हैं एट अ फीस से 70 लाख, 670, वट एवर फीस यू आर, क्या आप वहां आरओआई ले रहे हैं, क्या पेशेंट मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो भी आपको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, क्या मेरे पास अब्रॉड में कोई ऐसा ऑप्शन है जो मुझे इस लेवल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस देता है एट अ लोअर ऑप्शन। सिमिलरली अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या मेरा जो हॉस्पिटल है, क्या मेरा जो कॉलेज है मुझे इस लेवल का क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आपका डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए। अदरवाइज आज तो आपको एडमिशन लेना बहुत आसान लगेगा, कुछ दिन आपको बहुत गुफी गुफी और अच्छी अच्छी चीजें लगेंगी, आगे जाके आप यहाँ पे फंसने वाले हैं। तो इसी के साथ आप कॉलेजेस वो चुनिए जिनमें क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो, आप वो फोकस करिए जहां क्लिनिकल पोस्टिंग आपको अच्छी मिले राइट। जब आप पढ़ाई करें अपनी, हमेशा अपने नोट्स बनाएं और पैथोलॉजी जो है डिजीजेस की उसके नोट्स बनाएं, उनको समझें, और अपनी प्रिपरेशन जो आप 4th-5th साल बाद करना शुरू करते हैं उनको day 1 से शुरू करें। और इसी के लिए हम लोग लाए हैं, गेट माई यूनिवर्सिटी नेक्स्ट टेलो लाए हैं। हमने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, आप हमारी ये जरूर देखिए, हाउ नेक्स्ट टेलो इज हेल्पिंग यू, जो आपको day 1 पे अपनी मेडिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। सो दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको day 1 पे ये प्रॉब्लम एड्रेस करनी है। और गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा से बिलीव करता है, हम अपने बच्चे को एंड टू एंड होल्ड करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारा बच्चा आए और सक्सेसफुल आए। और इसके लिए इस तरह की आपको केस स्टडी चाहिए, देखिए। He has also noted a fever with temperatures up to 38.9 degrees Celsius, which improves slightly with over-the-counter antipyretics. The fever is associated with chills and night. तो यहाँ पे केस बताया जा रहा है एक पेशेंट का, क्या उसको सिम्टम्स थे, ये देखिए। फिर इसके लैबोरेटरी रिजल्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, किस तरह से उसके लैब रिजल्ट्स आए हैं। ये होता है क्लिनिकल स्टडी जो आपको हर पेशेंट के लिए करना है राइट। ये पूरे आपके लैब रिजल्ट्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट किए गए हैं। Hydrocephalus is also noted. हमारे जो प्रयास है, जो नेक्स्ट सिलो का प्रयास है, उसमें आपको पूरा सिनारियो समझाया गया है, कैसे आपको उस पेशेंट को उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आउटपुट निकला, उसकी जो स्पेसिमेन एंड माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या निकला। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करेंगे ना एक पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर, तब आपकी वो क्लिनिकल रिपोर्ट बनेगी, क्लिनिकल एनालिसिस बनेगा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद उसके रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं,
और पैथोलॉजी की रिपोर्ट दिखाई जाती है। सो मेरा जो नटशेल में सवाल है, आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी केस को इस तरह से एनालाइज करें जो हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके लिए नेक्स्ट वन पास करना आसान होगा। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे जरूर वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट लो, आई एम श्योर ऐसी सोल्यूशन है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आई होप आप अपने कॉलेज का सिलेक्शन अच्छे से करेंगे, आप जहां भी जाएंगे अपने क्लिनिकल पैरामीटर्स और इन्हीं फैक्टर्स को लेकर अपने कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। आप हमसे भी जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पे आप जा सकते हैं, कौन से कॉलेजेस आप इंडिया में भी सेलेक्ट कर सकते हैं या अब्रॉड में भी सेलेक्ट कर सकते हैं जहां हॉस्पिटल क्लिनिकल इंटरफेस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर इस प्रेजेंटेशन से आपको एक अपने डिसीजन मेकिंग में काफी क्लैरिटी मिलेगी। और कोई भी सवाल हो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।